आपने फर्स्ट टाइम यूपी इंटरनेशनल फेस्टिवल और विश्व की धार्मिक आध्यात्मिक नगरी काशी में रखा, क्या कहना चाहिए? हमारी तरफ से पहले सबका अभिनंदन, नए साल की शुभकामनाएं। ये सारा श्रेय जाता है मेरे भाई कृष्णा जी को, क्योंकि इनका बहुत स्नेह है, इन्होंने बहुत कुछ किया है और चाहते हैं कि अपने अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश के लिए कुछ ऐसा कुछ करें जो यहाँ पे हम जहाँ पे आके झंडे गाड़े हैं। हम लोगों ने देखिए क्या होता है, जब हम लोग आते हैं वहाँ से उत्तर प्रदेश से आए हैं, जब हम लोग कुछ तो कुछ काम सोच के आए हैं हम लोग, तो अभी ये जो है यहाँ पे अपना जो हमने उपलब्धियाँ हैं हम लोगों की फिल्में बनाई, फिल्में रिलीज की हैं, फिल्में और आगे भी प्लानिंग में हमारी हैं। तो कृष्णा भैया का ये विचार था कि अपने यहाँ पे यूपी में करना है, बनारस में करना है, अपनी जो फिल्म अपने जो फिल्म नगरी है इनको वहाँ पर ले दिखाना है, एक फेस्टिवल बनाएंगे, पूरा सबको दिखाएंगे भी क्या क्या फिल्में अच्छी सी फिल्में बन रही हैं। उन चीज़ों के लिए पूरा एक लाइनअप किया, बहुत बढ़िया लाइनअप किया है, बड़ी अच्छी जूरी बनाई है, बड़े बड़े लोगों को लेके आए हैं। और मैं ये जानता हूँ कि अगर भगवान ने चाहा तो आने वाले सालों में भी कोई भी चीज़ शुरू होती है तो एक दिन में कुछ होता नहीं है, तो हर चीज़ अपना टाइम लेती है, जल्दी भी अपना टाइम लेती है। तो ये है पूरा चित्रण, जो भी यहाँ पे जो चित्र बड़ी बड़ी फिल्में बन रही हैं उन सब लोगों को वहाँ पे जाकर दिखाएंगे, हम लोग फेस्टिवल करेंगे, लोगों को ऑनर करेंगे और वहाँ के लोगों को बड़े बड़े अपने उदय के लोगों को भी बुलाया गया है, वो सब लोग आ रहे हैं। बाकी कुछ थोड़ा डिटेल में कृष्णा भैया बताएंगे। सर कृष्णा जी वहाँ पे किस तरह की फिल्में आप फेस्टिवल में दिखाएंगे और किन किन भाषाओं की फिल्में होंगी? पूरे वर्ल्ड की फिल्में आएंगी, पूरे देश की और हर सभी भाषाओं में। अभी करीब करीब मेरे पास चाइनाज, ईरान, रशियंस कई फिल्में आ चुकी हैं जो विदेशी है, इंडियन में तो आई नहीं है। तो मुझे लगता है कि फेस्टिवल जो हम लोग का सपना है और कुमार भैया का आशीर्वाद मेरे ऊपर है तो ये पूरा होगा और अच्छा बनाएंगे। ये फेस्टिवल का अपने समय सारणी तारीख डिसाइड किया जी 28 फरवरी, 29 फरवरी और 1 मार्च। 28 फरवरी, 29 फरवरी को फिल्में देखी जाएंगी और 1 मार्च को फिनाले जो होगा अवार्ड दिए जाएंगे। बनारस में मेरे ख्याल से इस तरह का पहला इंटरनेशनल फेस्टिवल अवार्ड होने जा रहा है। जी जी, तो वहाँ के लोग अधिक से अधिक जुड़े, इसके लिए आपने क्या कवायद या क्या? वहाँ के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और काफी लोगों को जोड़ रखा है और इसमें मैंने अपने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को भी इन्वाइट किया है और वो 28 को या पहली तारीख को जरूर आएंगे। दूसरी बात वहाँ के लोगों के साथ जोड़ने का है कि काफ़ी हमने वहाँ के लोगों को जोड़ रखा है और वहाँ की फिल्में भी आ रही हैं, कई वहाँ पे जो चलचित्र क्या उसे उनका निगम है और NSD के बच्चे जो फिल्में बनाए हैं शॉर्ट फिल्में वो भी लगा रहे हैं हम लोग। और इस तरह का पहला ऐतिहासिक फिल्म मतलब होने जा रहा है फेस्टिवल कि गंगा किनारे पर गंगा घाट पर होगा और पूरी रात सभी पब्लिक के लिए फ्री रहेगा, कोई भी टिकट नहीं, कोई कुछ नहीं और कम से कम 10,000 पब्लिक उस फेस्टिवल को हमारे देख सकती है रोजाना। इसके लिए क्या मतलब आपने जैसा जिक्र किया बॉलीवुड और इंटरनेशनल फिल्म इंडस्ट्री से कौन कौन नाम से सितारे पहुंचेंगे? सितारों का भी हम लोग कन्फर्म कर रहे हैं लेकिन ज्यूरी में काफी लोग, दो तुम्हारे बाहर से आ रहे हैं, एक इटली से आ रहे हैं, एक पेरिस से, हाँ तीन, और एक LA से, हॉलीवुड से। तो तीन निर्णायक वहाँ से ज्यूरी मेंबर वहाँ से आ रहे हैं, बाकी ज्यूरी मेंबर अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। और कुछ नाम ऑलरेडी चयन हो चुके हैं, पता ही पर जैसे सावन कुमार जी जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं उन्होंने हमें कंफर्मेशन कर दिया है, उन्होंने कहा मैं बिल्कुल ज्यूरी मेंबर होते हुए बिकॉज ऑलरेडी चयन शुरू हो गया है। तो ज्यूरी मेंबर में भी सुभाष जी, सुभाष घई साहब को हमने अभी अपना उनको अपना इन्विटेशन भेजा है, आई थिंक आजकल में हमारी मुलाकात होगी। ऐसे ही बड़े बड़े ज्यूरी मेंबर, इवन एक्टर भी जिनको हमको अवार्ड देना है, मैं ऐसे कुछ थोड़े से नाम जिनको मैं ऑलरेडी चाहता हूँ कि वो जैसे अपना मिथुन चक्रवर्ती साहब उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट दे रहे हैं, राज बब्बर साहब, ये जो इस तरह के जो बड़े बड़े नाम हैं कुछ जो यूपी से जुड़े हुए, ये अभी जैसे राज बब्बर साहब आगरा से हैं तो उनको जब हमने बोला फोन को पता, उन्होंने कहा मैं अभी दो एक दिन में बॉम्बे में हूँ, आप मुझे मिलो। तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं, हम अच्छी तरह से जो कई लोग जुड़ने वाले हैं वो मैं हूँ, ये भी हो भी सकता है मुजफ्फर अली साहब हो, सब शाम बनेगल साहब, ऐसे बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई बहुत बहुत चर्चित ये हमारा कार्यक्रम रहेगा और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं कि सदियों तक चले, क्योंकि यूपी के ऐसी जो इतना जो बनारस जैसी पवित्र धरती के ऊपर ये होने जा रहा है। और अपना जो है मैंने शायद कल बात की अपना उनसे अनजान साहब के बेटे समीर साहब से जिन्होंने 8,000 गाने बनाए हैं वो वहीं के बनारस के हैं, तो उन ऐसे जो नाम है वहाँ के लोकल लोग नाम है वो सब जुड़ रहे हैं। कृष्णा भैया का बहुत प्रयास है यार,
ये बहुत प्रयासी इंसान है और बस इनको इनकरेज करेंगे तो बहुत बहुत खुश हो जाएगा ऐसा हमारा। और डिफरेंट माध्यम से पेपर मीडिया नेटवर्क्स कई चैनलों पे हम लोग आ रहे हैं, लोकल चैनल्स पे बता रहे हैं, बनारस यूपी आगरा वगैरह में जितने भी चैनल्स हैं लोकल सब पे हम अपना मेरे ख्याल से आते हैं महीने में, ये जो है जनवरी में ही ये शुरुआत हुआ है तो उसमें हम देने की शुरुआत जी ये सब में आ जाए सब चैनल्स में आ जाएगा। अभी आइए आप सबको इन्वाइट कर रहे हैं और कोई कोई निःशुल्क ये होता है बहुत अपने टिकट लगाते कुछ नहीं, ये सब ऐसे सब साधन जुटाकर कृष्णा भैया ने लीड लिया है और मैंने कहा बिल्कुल हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग इसको करेंगे और बेहतरीन करेंगे। सर आपसे एक आखिरी सवाल आप दोनों से कि यूपी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को आपने बनारस जैसे शहर में सेलेक्ट किया जबकि यूपी में और तमाम बड़े शहर हैं तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है फेस्टिवल? पहले तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का कंसेंसी है और बनारस धार्मिक सामाजिक और टूरिस्ट के हिसाब से मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में एक महत्व रखता है और वहाँ के कलाकार भी और वहाँ के सांस्कृतिक को हम लोग प्रमोट करने के लिए ये कदम उठाए हैं कि मैं वहाँ ये फेस्टिवल करूँ। और चूंकि मैं बनारस के पास का ही रहने वाला हूँ तो मेरा बनारस से बहुत प्यार है तो मेरी शुरुआत ही बनारस से इसीलिए की। बहुत सी भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं बनारस के साथ में और बाबा के काशी विश्वनाथ की नगरी है आप जानते हैं तो उनका आशीर्वाद है। बाकी फिर समय समय पे हम आपको ऐसे ही अपडेट करते रहेंगे। अभी तो सिर्फ आज अशुभ आरंभ पहली जनवरी को कर दिया हमने बिल्कुल बुझा दिया है। आप सभी को जो है हैप्पी न्यू ईयर आपकी और आपकी पूरी हमें आपका सहयोग लगेगा। समय समय पे हम आपको इस तरह बुला बुला के आपको अवगत करते रहेंगे क्या क्या हो रहा है क्यों लोग आ रहे हैं और एक अच्छा